तो मैंने अभी तक ये किया, बूटस्ट्रैप लगाया पहले तो, ठीक है। बूटस्ट्रैप को जेक्वेरी चाहिए होती है, बूटस्ट्रैप को पॉपर जेएस चाहिए होती है। पॉपर जेएस हालांकि जब अपन ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे ना, यूज तो उसमें आएगी, अभी रिक्वायरमेंट तो नहीं है अपने को। अभी अपना अपना ये वाला एग्जाम्पल तो बिना पॉपर के भी हो सकता था, बट आगे जरूरत पड़ेगी फिर भूल जाएंगे, फिर सोचते रहेंगे कि लग क्यों नहीं, लग क्यों नहीं, तो बेटर अभी लगा लेते हैं। नहीं टैप क्यों नहीं हो रही यार? स्पेस तो चल गया, क्या है, मुझे बिना इंडेंटेशन के समझ में ही नहीं आता, तो मेरे लिए बहुत जरूरी हो। हाँ, अपने को अपनी सीएसएस भी बनानी रहेगी। देखो बूटस्ट्रैप में ऐसा नहीं है कि सीएसएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइंस ऑफ कोड जरूर कम हो जाएंगे लेकिन जरूरत तो पड़ेगी। अच्छा, वी स्मॉल, वो हेडर मैं नहीं बना रहा, आप चाहो तो बना सकते हो। चलिए हेडर के नाम पे मैंने क्या किया, हेडर के नाम पे एक हेडिंग जरूर बना रहा हूँ। ऊपर ये जो नीचे वाली डिव क्लास रो है, ये वो जहाँ मेरी फोटोज आएंगी, मैंने इसको रहने दिया। अभी एक रो और बनाई, ठीक है, उसके अंदर बस एक H1 डाल दी, उसके अंदर संदीप महेश्वरी, उसके अंदर हमने लिख दिया सर्विसेज। सॉरी गलत हो गई है, वो सर्विसेज वहां आ रहा है अभी तो। इस सर्विसेज को सेंटर में लाने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। अगर आप जो सीएसएस से ही करना चाहते हैं, जो अभी तक करते आए हैं, तो आप अपनी सीएसएस फाइल में इस पे टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा सकते हैं और सेंटर हो भी जाएगा, गलत तो नहीं है। चाहे H1 पे लगाएंगे, चाहे इस डिव पे लगाएंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा, क्योंकि इस डिव में सिर्फ एक ही कंटेंट है, तो वही सेंटर में जाएगा। H1 पे भी लगाएंगे तो H1 की विड्थ 100% होती है बाय डिफॉल्ट, ब्लॉक एलिमेंट है तो 100% के सेंटर में सर्विसेज आ जाएगा। जब टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही लगाना है और बूटस्ट्रैप से काम कर ही रहे हो, आपने यूज भी कर रखी है क्लास अपने एग्जांपल में, देखा मैंने, टेक्स्ट सेंटर क्लास टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही लगाएगी। क्या हुआ, अच्छा, इसमें H1 की बिट्स फुल नहीं आती। ओके ओके ओके, ऐसा क्यों हो? ओके, H1 पे लगा के देख लेता हूँ मैं, टेक सेंटर। प्रॉब्लम ये हो रही है, H1 इतना सा ही आ रहा है, अगर फुल विड्थ में आता तो चल जाता है। एक मेरे दिमाग में एक सॉल्यूशन तो आ रहा है, लेट्स सी वो वर्क करता है क्या। ओके ठीक है, वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ट्राई करना था कर लिया। देखो भाई, वर्क नहीं कर रहा, तो हमने लास्ट वीडियो में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट की बात की थी। यस सर, वर्टिकल अलाइनमेंट में हमने क्लासेस देखी थी अलाइन आइटम करके, अलाइन आइटम स्टार्ट एंड सेंटर। हाँ सर, वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं मैं, कि ये जो सर्विसेज लिखा हुआ है, ये इस हाइलाइटेड एरिया यानी जो रो है, इसमें वर्टिकली सेंटर, वर्टिकली यानी ऊपर नीचे सेंटर, मतलब सर्विसेज के ऊपर इक्वल स्पेस होनी चाहिए, सर्विसेज के नीचे इक्वल स्पेस होनी चाहिए। वो तो आपको दिख ही रही है, इक्वल स्पेसिंग है, दिख रहा है सामने, है ना। यस सर,
तो वर्टिकली मुझे सेंटर करने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, हॉरिजॉन्टल सेंटर जरूर करना था कि यहाँ और यहाँ इक्वल स्पेस रहे। मैंने रो क्लास पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रो के अंदर आने वाले कंटेंट को सेंटर में लाती है। चूंकि टेक्स्ट सेंटर से ये काम नहीं हो पा रहा था तो फिर यही एक सॉल्यूशन बचता था मेरे पास। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट बाय डिफॉल्ट जहां आ रहा था स्टार्ट में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यहां, और अगर मैं यहां लगाऊं जस्टिफाई कंटेंट एंड तो वो राइट साइड में चला जाएगा। हाँ, justify content end, अब वो रो के एकदम आखिरी में पहुंच गया। ये चीज हमारे कहां काम आएगी, वो जो हमारा लेआउट है उसमें ऊपर ही ऊपर वो तीन एंकर्स हैं, ध्यान है आपको, ब्लॉग वाले लेआउट में। यस सर, वहां पे ये चीज काम आ सकती है कि रो बना के तीन एंकर लगाए और रो पे justify content end दे दिया और कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो अपने आप तीनों राइट साइड में पहुंच जाएंगे। खैर, हमारा काम सेंटर से होना है यहाँ पे। इसके अलावा रो पे थोड़ी ऊपर और नीचे अगर स्पेस देनी है, P यानी पैडिंग, Y यानी वर्टिकल टॉप और बॉटम की 2। थोड़ा सा आपको स्पेस बढ़ा हुआ दिख रहा है, चाहे तो और बढ़ा लेंगे। पी वाई टू ने ऊपर नीचे वो जो आपको पर्पल आइरिस दिखाई दे रहा है, पी वाई वन करोगे कम स्पेडिंग आएगी, 2 पे ज्यादा, 3 पे और ज्यादा, 4 और 5 पे और ज्यादा आएगी। पी की जगह अगर एम कर दोगे तो वो मार्जिन टॉप बॉटम हो जाएगा, दोनों से इससे भी काम कर सकते हैं। खैर, अपना मुद्दा ये है। yes, sir. कॉलेशन 4 के अंदर मैंने एक डिव बनाई कार्ड आइटम। कभी वर्क कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा। भाई यहाँ पे और यहाँ पे तीन क्लास बनाओ, डेव क्लास कार्ड आइटम बनाओ। CARD कर देना कार्ड आइटम। बढ़िया, तीनों के अंदर एक इमेज ऐड करो और एक और डिव ऐड कर दो जिस पे क्लास लगा दो कंटेंट। पहले क्लास ऐड करूं या इमेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर लो, पोजीशन से सेट करना है अपने को वैसे भी, तो ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपकी इच्छा वैसे लगाओ। चलो, कंटेंट नाम से, हाँ, CONM आ गया है, N करो उसको। हाँ नहीं, वो पता नहीं चल ही नहीं रहा है इसमें, एमिट बनाना ही पड़ेगा आपको।
पता नहीं क्या हो रहा है ये। नॉर्मली बना लो जैसे बनाते हैं अपन अभी, बाद में एक बार सबलाइम को ना अपडेट करके देखेंगे। कंटेंट क्लास के अंदर आईएमजी डाल दूं? नहीं 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 इमेजेस के बाद में आएगी, अंदर नहीं, मतलब बाहर आएगी। हाँ 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 अब आपको देखिए, हम ये चीज पहले से करते आए हैं, इमेजेस को हमें विड्थ 100% वगैरह अलग से देना पड़ता है, वरना इमेज की हाइट विड्थ अपने पेरेंट की हाइट विड्थ से अलग हो जाती है। हमें इमेज पे अलग से जाके विड्थ 100% हमेशा देना पड़ता था, है ना? यहाँ भी करना पड़ेगा, अगर जैसे हम अगर इस कार्ड आइटम को विड्थ दे भी देंगे तो इमेज या कॉल SM4 ने विड्थ ऑलरेडी लगा रखी है, तो इमेज जरूरी नहीं है उस विड्थ की आए, वो उससे छोटी होगी तो छोटी रह जाएगी, बड़ी होगी तो बड़ी होगी। तो या तो हम CSS में जाके इमेज को कह सकते हैं 100%, या फिर इन तीनों इमेजेस पे आप एक क्लास लगा दो img-fluid FLUID, वो यही काम करेगी। फ्लूइड, हाँ FLUID। चलो सेव करते हैं और एक बार ब्राउजर में चलते हैं कि कुछ आ रहा है कि नहीं। बढ़िया। अभी एक चीज लेकिन हो रही है, मैं अगर आपको दिखाऊं, जितनी कॉल SM4 की विड्थ है ना उतनी इमेज की विड्थ नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए कॉल SM4 की विड्थ बता रहा है वो 380, लेकिन कार्ड आइटम की विड्थ भी 380 होगी पर इमेज की विड्थ छोटी रह गई होगी। अब हमने तो इमेज फ्लूइड दे दी 264, बहुत ज्यादा छोटी है। हालांकि देखिए वो विड्थ 100% वाला काम तो हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, इमेज ऑलरेडी ऑटोमेटिकली छोटी है, इमेज अपने उससे छोटी है। अगर बड़ी होती ना इमेज, मान लीजिए इससे 350 से बड़ी होती इमेज तो 350 पे टिक जाती। प्रॉब्लम ये है इमेज खुद ही छोटी है। यस सर, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हम इस इमेज को यूज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें इसके लिए? अब इस केस में CSS काम में लेनी ही पड़ेगी हमें, या तो इमेज चेंज कर दें, पर अब नहीं करनी है, ठीक है। बूटस्ट्रैप कार्ड CSS बनानी पड़ेगी।
कार्ड आइटम के अंदर आने वाली इमेज। हालांकि इसको आप सीधे सीधे डॉट इमेज फ्लूइड भी कर सकते थे, तो मेरे को आपको जैसे याद आ जाए वैसे सही है, मुझे ऐसे याद आया तो ऐसे सही है। कार्ड आइटम लेने के पीछे मेरा मकसद ये था, क्योंकि ये मेरी बनाई हुई क्लास है, बूटस्ट्रैप से रिलेटेड नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी क्लासेस अपनी आईडीज के साथ काम करो। हालांकि आप इमेज फ्लूइड लोगे सेम इफेक्ट आएगा। इस पे अपने को विड्थ 100% देना पड़ेगा, एक बार देखे देखते हैं क्या होता है। हाँ, जैसा कि आपको दिख ही रहा है फोटो बड़ी हो गई है। अब ये भी कितने की आ रही है, 350। ठीक है, बढ़िया है। ये इमेज ऑलरेडी राउंड थी क्या बॉर्डर इसके? यस सर। हाँ अच्छा, मैंने अपने तो लगाया नहीं था अभी तक कुछ। तो यहाँ तक का काम सेट है ना? ओके। लेकिन अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है, सेम फोटो 3 बार लिए, तो अपने को लग रहा है काम बहुत बढ़िया सेट हो रहा है। प्रैक्टिकली सेम फोटो अपन अगर एक्चुअल कोई वेबसाइट बना रहे तो सेम फोटो नहीं लेते, सही? तो एक बार के लिए आप यहाँ पे एक रहने दो, ये 2 और 3 कोई दूसरी फोटो लेके आओ, उसमें मैं हाइट विड्थ का फंडा बताऊंगा आपको। ढूंढ लो कहाँ है फोटोज आपके और कोई दूसरी फोटो लेके आओ। बढ़िया, ठीक है, सेव करो ब्राउजर में। चलो एक मिनट, जेपीजी होगी शायद ये। हाँ शायद जेपीजी होगी, एक मिनट। हाँ जेपीजी है, बिल्कुल जेपीजी है। ये देखिए हाइट का फंडा भी आता है, इमेज जब विड्थ तोड़ के बाहर निकलती है तो हाइट भी तोड़ के बाहर निकल सकती है ना? अभी तक अब ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आती अपने साथ, क्योंकि वो सेम इमेज पे काम कर रहे थे अपन। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, हम सेम इमेज पे काम नहीं करते, 3 अलग अलग इमेजेस ही आती हैं। हो सकता है वो एक हाइट विड्थ की हो सकता है नहीं हो। अब इस केस में अपने को हाइट भी देनी पड़ेगी। कितनी लगाए, 350 लगा के देखते हैं। थोड़ी ज्यादा करते हैं, थोड़ी इमेज स्क्वीज हो गई ऐसा लग रहा है, 400 कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ करना है? हाँ हो गया। ठीक है, अच्छा ये दोनों इमेजेस के लेकिन बॉर्डर घूमे हुए नहीं है। हाँ। तो अब इनके बॉर्डर तो घुमाने पड़ेंगे। ठीक है, इनके बॉर्डर भी घूम गए। हाँ। ठीक है, मुद्दा तो वो था कंटेंट को ऊपर नीचे चलाना है, हमने कंटेंट डिव बना रखी है, उसके अंदर एक हेडिंग डाल देते हैं। अरे काम ही नहीं कर रहा, मजा ही नहीं आया मेट का। और एक पैराग्राफ, कुछ भी लिख दो।
और क्या था? और बटन था नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था उसमें भी। हाँ एक हेडिंग डाल दी तीनों। जब तक कोई पोजीशन नहीं है ऊपर आ गई, अगर बाद में लिखता तो इमेज के नीचे आ जाती ये पूरा कंटेंट। फिर क्लास कंटेंट पे सबसे पहले अगर हम एक चीज लगा दें टेक्स्ट सेंटर, तो वो सेंटर में तो आ गया क्योंकि फोटो के ऊपर जब आएगा तो सेंटर में आना चाहिए, है ना? तो एक सॉल्व हुई पहले ही, फिर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एमएट चल नहीं रहा वरना ये काम और जल्दी हो जाता। अभी लास्ट में अपन आपका ये एडिटर अपडेट कर देंगे। टेक्स्ट सेंटर कुछ भी नहीं, बस टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो सी एस एस में प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है वही लगाती है। एक्सलाइन सेंटर और कुछ नहीं लगा ये। ओके ओके। अब ये जो डिव है, अच्छा इसमें जो एंकर है पहले उस पे भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। ये बड़ा ही गंदा लग रहा है। ओके अगर आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे कंटेंट में आएंगे, नहीं सॉरी कंपोनेंट्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स में आपको बटन्स के लिए, टेबल के लिए, लिस्ट के लिए बनी बनाए कोड्स मिलते हैं। इसमें अगर आप बटन में जाएंगे, किस तरह का बटन आपको अच्छा लग रहा है वैसा बटन देख लें, ऐसे अच्छे लग रहे हैं या और नीचे देखेंगे अगर ऐसे अच्छे लग रहे हैं या और भी नीचे देखेंगे और भी टाइप के ऐसे जिनमें बैकग्राउंड कलर नहीं होता सिर्फ आउटलाइन होती है, ऐसे अच्छे लग रहे हैं। जैसा आपको बटन चाहिए वैसा बटन यहाँ मिल जाएगा, बड़े साइज के, छोटी साइज के, है ना? अभी मैं एक सिंपल सा लगा रहा हूँ, फिर आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। पता कैसे चलेगा? मान लो कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसकी जो ये रहा, बस आपको ये क्लास कॉपी कर लेनी है BTN और BTN वार्निंग और आपका काम हो जाएगा। वहां उसने बटन टैग ले रखा है, बट ऐसा नहीं है कि आप एंकर पे नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हो। ओके दो क्लास है, एक तो BTN और एक BTN वार्निंग। BTN क्लास आप देखोगे सब में है। BTN इसको बॉर्डर रेडियस घुमाना और ये पैडिंग का काम देती है। BTN प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर ये इसके जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो देते हैं। और हवर पे वो चेंज भी होते हैं, देखिए थोड़े डार्क हो जाते हैं। ये कलर वाला काम जो है वो दूसरी वाली क्लास से आता है। बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस और पैडिंग का काम जो है वो BTN से होता है। BTN इसका पेज सेट कर दिए, फिर कलर इंसर्ट। आप देखोगे नीचे एक आउटलाइन वाले बटन थे, उनमें क्या हो रहा है? BTN तो इनमें भी है क्योंकि पैडिंग वेडिंग तो देनी है। BTN प्राइमरी ऊपर थी इसके लिए, वो BTN आउटलाइन प्राइमरी हो जाती है। यहाँ पे देखो BTN आउटलाइन प्राइमरी है यहाँ, और यहाँ देखोगे तो BTN प्राइमरी, इतना ही फर्क है बस। दिख रहा है ना? तो यही फर्क होता है। अब आपको कैसा भी चाहिए वैसा ले लो। देखें कुछ अच्छा लगा क्या? आपको कलर जमे नहीं तो चेंज कर लेना। okay. ये हो गया। बट अब हमें ये पूरे डिव यहाँ नहीं सेंटर में चाहिए, किसी चीज को कहीं से उठा के कहीं रखना हो, पोजीशन इसी के लिए बनी है तो पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अब बूटस्ट्रैप नहीं कर सकता, ये हमें ही करना पड़ेगा। कार्ड आइटम के अंदर आने वाला डॉट कंटेंट पोजीशन इसको दो एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का फंडा आपको पता है, जिसको एब्सोल्यूट देते हो पेरेंट को क्या देनी पड़ती है? रिलेटिव। रिलेटिव
कंटेंट का पेरेंट है कार्ड आइटम, तो कार्ड आइटम को हम दे देते हैं, और यहाँ कहाँ आ गया रिलेटिव, देखें इससे कुछ होता है क्या। ये हुआ कि वो अभी फोटो के अंदर तो आ गया, अच्छा लेकिन आप देखोगे वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर अब काम ही नहीं कर रहा। अब ये तो गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। पोजीशन के साथ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट करके चार प्रॉपर्टी आती हैं, आपको पता है, अब हमें उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो कंटेंट है टॉप से अगर मैं 30% दूं और लेफ्ट से एक बार के लिए 30 दे देते हैं, अरे वाह नहीं ज्यादा हो गया एक्चुअली थोड़ा, हाँ मुझे ठीक लग रहा है, क्या बोलते हो, ठीक है ना, वर्टिकली भी रहेगा, वर्टिकली भी ठीक लग रहा है, तो 30 और 25 आई गया, नहीं सही बात, बढ़िया। कलर एक बार अगर वाइट कर दे तो मुझे लगता है ज्यादा दिखाई देगा। कंटेंट का कलर वाइट का कोड ये होता है ना, अगर फिर भी नहीं दिखाई दे तो आप टेक्स्ट शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट पूरा नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे ट्रेनिंग का जी दिखाई नहीं दे रहा, तो इस या तो टेक्स्ट शेडो लगा सकते हैं या फिर एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा अभी, तो खैर अभी तो ये यहाँ आ रहा है। अब हमें लेकिन इसे यहाँ नहीं लेके जाना, ये तो हवर पे आएगा, अब आगे का सारा काम अपनी सीएसएस से होगा, बूटस्ट्रैप का हो चुका। कंटेंट पे ये तो फाइनल पोजीशन है, जब हवर पे आएंगे तो यहां तक आएगा। ओके सर, तो हमने टॉप को अगर 80 पे ले जाएं, इतना नीचे करना है कि हेडिंग बाहर दिखती रहे, हेडिंग को अंदर नहीं डालना है। अच्छा पैराग्राफ नहीं दिखता भी तो, और आप देख रहे हो मेक एन अपॉइंटमेंट तो बाहर दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा। फिर एक बार 80 को जरा 90 करके देखें, तो 89 पे या 90 पे भी से हो जाएगा, हाँ ठीक है 90 कर देते हैं, 90 पे बस एकदम केवल हेडिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन आपने देखा था कि ये तो सारा मजा ही किरकिरा हो रहा है, ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा। कोई बात, कार्ड आइटम या कॉल SM4 किसी पे भी, क्योंकि दोनों की हाइट विड्थ एक जितनी है, कार्ड आइटम यहाँ दिख रही है तो कार्ड आइटम पे मैंने बोला जो बाहर जा रहा है आपकी डिब से उसे काट दो। ओवरफ्लो हिडन का एक्चुअल काम ये है, मेन्यूज वगैरह में जो अपन यूज करते थे ना, वो तो जुगाड़ था बस एक। अब आपको मार्केटिंग तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो जो पैराग्राफ है और वो जो एंकर है वो नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, बस यही करना था अभी। अच्छा अब हवर के ऊपर भी आना चाहिए, तो जो कार्ड आइटम है उस पे जब हम हवर करेंगे, कार्ड आइटम पे हवर होने पे उसके अंदर आने वाला जो कंटेंट है उसको मुझे ऊपर उठाना है, तो कार्ड आइटम के हवर पे स्पेस कंटेंट यानी उसके अंदर आने वाली कंटेंट डिव, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, देखिए सूडो क्लास में स्पेस नहीं आती है, ये भी गलत है, या आप ऐसे करते हो वो भी गलत है। ओके, एक बार प्रवीण सुबह से लेकर शाम तक अटका रहा, फिर शाम को उसने मुझसे पूछा तो मैंने बताया बस ये प्रॉब्लम थी, स्पेस कम कर दो। हाँ कंटेंट पे आपको पता है टॉप अपन ने 30 किया था जब सही बैठ रहा था मामला, तो मैं वहीं तक वापस ले जाता हूँ कि हवर पे टॉप 30 हो जाएगा और वैसे टॉप 90 रहेगा।
कंटेंट का। अभी 90 है हमारे पे ऊपर आया, बट ये तो ट्रांजिशन नहीं हुआ, ये तो झटके से आया। हाँ सर, तो अब कंटेंट है जिसके टॉप में अपन हेरा फेरी कर रहे हैं, 90-30, 90-30 कर रहे हैं, यानी कंटेंट पे ट्रांजिशन लगाना रहेगा क्योंकि कंटेंट में चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा कि ट्रांजिशन ऑल हावर में जितनी प्रॉपर्टी है उतनी, हालांकि आप यहाँ टॉप भी लिख सकते हो क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी पे काम हो रहा है, जैसे आपकी इच्छा वैसे लिखें। और हमने कहा 0.5 सेकंड्स में आ जाए, अगर आपको कोई ट्रांजिशन फंक्शन लगाना है तो लगा दे, इजी नाउट लगा दिया मैंने। अब चलता हुआ दिख रहा है, टाइम स्पीड वगैरह अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं अपन। एक प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंटेंट दिखता ही नहीं है बैकग्राउंड में। अब देखो मैंने जो वीडियो भेजा था वो तो इतना ही था, उसमें तो इतना ही काम था, बट अब ये है कि चूंकि आप पढ़ चुके हैं तो कर सकते हैं, है ना। तो ये आप ही करके बताओगे मुझे क्या चाह रहा हूं मैं, जब मैं माउस हवर करूं तो कंटेंट पे जो हो रहा है वो तो होता रहे, कंटेंट 30% और वापस 90% जाए। जब ये कार्ड आइटम पे हवर होगा उस समय पे इसका एक इस पे वो RGBA वाला एक बैकग्राउंड कलर लग जाना चाहिए ताकि फोटो डल हो जाए, जिससे ये कंटेंट जो है ये अच्छे से दिखाई देने लग जाए। ठीक है, स्टूडियो क्लासेस इस्तेमाल करनी पड़ेंगे बिफोर आफ्टर, ट्राई करो, मुझे यकीन है कर लोगे, ट्राई करो। और मैं एक कॉल करके आया है ना, आप जरूर करो।
ओके, डार्क हुआ है फोटो थोड़ा सा। क्या लगाया? बिफोर। बिफोर लगाया सर। अभी ये क्या हो रहा है कि ये जो डार्क वाला बिफोर वाला सिस्टम है ये हवर नहीं करने पर भी रहता है ना? मैं ओके। चाहता हूँ जब हवर करो तो ही डार्क रहे और जब हवर नहीं करूँ तो नॉर्मल में आ जाए। मतलब जैसे जब वो कंटेंट ऊपर आता है ना उसी हाँ समय सर, पे ये डार्क वाला बैकग्राउंड भी आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। लाइन 23 अभी डिलीट कर दो, 23 केवल। हाँ, कार्ड आइटम पे हवर पे उसके बिफोर पे बैकग्राउंड कलर डालो। दूसरा बनेगा, कंटेंट को मत छेड़ो। अभी थोड़ी देर पहले बताया स्पेस नहीं आती सूडो क्लास में, हवर और बिफोर में स्पेस क्यों दिया है? यहाँ डाल दो बैकग्राउंड। सर बढ़िया, बस यही था इसमें। तो एक काम करते हैं, वो जो ब्लॉग वाला लेआउट है उसको अपन बनाना स्टार्ट कर ही देते हैं आज बूटस्ट्रैप की सहायता से। ओके सर। लेआउट है तो वो निकालो एक बार। ब्राउज़र में भी ओपन करना है इसे। सही है सर, बढ़िया। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसका हेडर तो अभी बना ही देते हैं। चलो ये था लेआउट, अब ब्लॉग लेआउट था, इसको लेआउट बूटस्ट्रैप कर लेते हैं अपन। ये भाई बूटस्ट्रैप से बनता हुआ लेआउट है। स्टेप सेटअप कर लेते हैं फटाफट से।
ठीक है, बूटस्ट्रैप हो गया हमारा, तो अगर रन करें कंसोल में देख लेते हैं कोई एरर है तो बता, अभी भी सॉर्ट कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप लेआउट, अच्छा ये फाइल बनानी पड़ेगी, अभी बनाई नहीं है ना, पहले भी गलत है क्या? CSS बना दी, सबसे पहले हमें टॉप पर क्या चाहिए, हमें टॉप पर चाहिए ये वाली पट्टी, ग्रे वाली है ना। एक डिप बना दी जिसको आईडी दे दी टॉप बार, आईडी बूटस्ट्रैप्स का, आईडी और बूटस्ट्रैप का कोई काम नहीं होता, ये आईडी अपने लिए है। यस सर। कंटेनर बनाई, रो बनाई, मैंने आपको बताया था इसमें हम रो को, हमें क्योंकि इसके अंदर वाला कंटेंट एकदम राइट साइड में चाहिए, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट एंड डाल दिया इसके अंदर। फिर इसके अंदर हमने वही तीन एंकर टैग ही बनाने थे और जो भी इनमें लिखा हुआ है वो लिख देते हैं। एक बार अगर इसको देखें कि ये कैसा लगता है, वो तीनों देखिए वहां आ रहे हैं, इनके बीच में एक तो स्पेस नहीं है, वो अपन ला देंगे। कलर और कैपिटल वो तो हमें अपनी सीएसएस में ही करना पड़ेगा, और वो जो डिव है उस पर बैकग्राउंड कलर वो भी अपने को लगाना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप का काम बस चीजों को सेट कर देने का, अलाइन कर देने का, वो करेगा। इनमें स्पेस चाहो तो आप CSS से लगा सकते हो, बट यहाँ पे और अच्छा ऑप्शन है अपने पास, तीनों के बीच में पैडिंग ही तो डालनी है, पैडिंग यानी P, और मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल X एक्सिस होती है मैथ्स में, अगर X और Y दिमाग में लगाओ तो X2 अगर मैं डाल के देखूं, स्पेस आ गया तीनों के बीच में, अगर आपको ज्यादा लगता है तो PX1 कर लेंगे। ठीक है, अपनी जो CSS है उसमें अपन चलें, अगर टॉप बार पे वो जो भी बैकग्राउंड कलर है वो डाल देते हैं, देख लेते हैं कौन सा है, अभी के लिए मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज इनकी बहुत छोटी होगी, कलर छोटा होएगा, शायद 10 पिक्सल करी थी हमने, चूंकि कैपिटल में दिखाई दे रहे हैं आपको वो सारे, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस ये, हाँ इनके बीच में स्पेस शायद ज्यादा ही है, तो हम स्पेस वाला काम जो है इसको बंद कर लें। हाँ मजा नहीं आ रहा क्योंकि ये डिव बहुत पतली लग रही है, हमारे पास जो डिव है वो मोटी है कि नहीं, और उसमें आप देखोगे इनके ऊपर और नीचे सेम स्पेस है, पूरी डिव को मोटा करने के लिए जो रो है
जैसे इन पे इंडिविजुअल हमने पैडिंग लगाई है, रो पे पैडिंग लगा सकते हैं, यहाँ हमें ऊपर नीचे की बात करनी है, इसलिए पी वाई टू करके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ये काम हो गया। हाँ, इसमें पहला वाला जो है वो बोल्ड है, बोल्ड सुडो क्लास का इस्तेमाल कर लेते हैं, टॉप बार के अंदर आने वाला एंकर, लेकिन ऐसे लगाओगे सब पे लग जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड या फर्स्ट ऑफ टाइप जो आपको याद आ जाए, दोनों लग जाएंगी। क्या होती है बोल्ड करने के लिए? बोल्ड करने के लिए फॉन्ट विड्थ। हाँ, हो गया। फॉन्ट वगैरह अपन बाद में, अपने को लगेगा तो चेंज कर सकते हैं, कर लेंगे बाद में। लोगो वाली जो डिब है उसका देखते हैं। ये वाली रो खत्म हुई, चाहो तो इसे कोलैप्स करके रख के पूरी टॉप बार को ही कोलैप्स कर लेते हैं। अगेन आईडी बनाई है तो वो तो हमारे मतलब की है। कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो है ना, और एक कंटेनर नहीं बैठा। अब यहाँ वो जस्टिफाई कंटेंट एंड नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे मामला अलग है। वहां पे तीन राइट साइड में चाहिए थे, यहाँ पे हमें एक लेफ्ट में और एक राइट में चाहिए है ना। इसका भी हमारे पास सिस्टम है, एंड तो नहीं है, अराउंड से ये काम होता है क्या, देखते हैं, ध्यान नहीं मुझे। एक हमें चाहिए लोगो, तो हैश लोगो बना लेते हैं, फोटो डाल देंगे इसके अंदर, और एक हमें चाहिए वो एंकर। वो बटन्स वाली क्लासेस पढ़ के आए थे हम, उसमें क्लास BTN, BTN लिंक क्या करती है अगर देखें, सॉरी मुझे ये, हाँ ये वाली क्लास ले रहा हूँ मैं, BTN, हाँ लिंक BTN लाइट ले रहा हूँ मैं, लिंक नहीं, लिंक में बॉर्डर नहीं आ रही, क्योंकि BTN लाइट में होगा ये, लेकिन एक वो थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर आएगा, वो हमें हटाना जरूर पड़ेगा। लोगों का नाम याद है क्या आपको? तो सर RC लोगो लिख दो। PNG होगा शायद। बढ़िया। वो इमेज फ्लूइड क्लास में इस पे भी लगा रहा हूँ। जो लोगो वाली डिव है उस पे विड्थ देनी ही पड़ेगी। लोगो एक काम करते हैं, इसमें मैं कॉल टू क्लास दे रहा हूँ। मेरे दिमाग में भी आई थी कि कॉल SM2 दे दूँ, कॉल टू या कॉल SM2 या MD LG XL2, मतलब कॉल टू और कॉल डैश समथिंग डैश टू, इन दोनों क्लासों में फर्क क्या होता है? कॉल SM2 आप दोगे या कॉल MD दोगे या कॉल LG दोगे, किसी भी पॉइंट पे आकर, जैसे SM की बात करूँ तो 576 के नीचे आके ये वाली डिव और ये एंकर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएंगे, लोगो ऊपर और वो नीचे चला जाएगा। लेकिन अपन ने भी जब अपन ने बिना बूटस्ट्रैप के लेआउट बनाया था, लोगो और उसके साइड वाला जो है वो कभी वर्टिकल नहीं होते, लोगो और उसके साइड में जो हैमबर्गर है वो आजू बाजू में ही रहते हैं, हॉरिजॉन्टल ही रहते हैं हमेशा, याद करो मीडिया क्वेरी लगाई थी उसमें भी। हाँ सर, तो वो चीज मुझे याद आ गई कि भाई लोगो और इसको कभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होना ही नहीं है। कॉल SM MD LG 2 या कॉल 2 में फर्क यही है
कॉल डैश 1 2 3 4 वाली क्लासेस जो है वो कभी वर्टिकल नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे मैं कॉल 2 लगा रहा हूँ बजाय कॉल SM2 के, और 2 क्यों दे रहा हूँ कि मेरे हिसाब से इतनी विड्थ काफी होगी इसके लिए, कॉल 2 में 16% कुछ विड्थ होनी चाहिए, देखते हैं। वो देखिए 180-190 कुछ पिक्सल का हो गया होगा, ये 160 का हो गया। कॉल 3 अगर करके देखें, ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, ये ठीक है, वो ठीक था, क्या बताओ? वो ठीक था सर, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो कॉल 2 ही सही है। बट हुआ तो ये, दो कोने में तो आए बट काफी अंदर आ गए, नहीं इतना अंदर होना नहीं चाहिए था। जस्टिफाई कराने अराउंड को अगर हम जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी एंड से तो बात पहुंच ले जाएंगे, क्लीन करें। हाँ, क्या बढ़िया बैठ गया है कि नहीं? चलो बहुत ही बढ़िया। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन का काम था, वो अराउंड नहीं लगानी थी। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन करता क्या है कि एक को सीधे लेफ्ट में फेंक देगा और दूसरे को एकदम राइट साइड में फेंक देगा, यानी एक पे एक तरीके से फ्लोट लेफ्ट लग गया और दूसरे पे फ्लोट राइट लग गया अपने आप, हमें नहीं लगाना है। बट एकदम चिपके हुए ऊपर से ये भी और ये भी, यानी कि इस रो पे भी मैं पैडिंग लगाऊंगा जैसे ऊपर वाली पे लगाई थी, तो पी वाई क्योंकि वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, थोड़ी ज्यादा चाहिए, 3 लगा के देख लेते हैं। और चाहिए क्या? थोड़ी और ले लेते हैं। ठीक लग रही है अभी, ठीक पी वाई 4 इसको कर दिया। हाँ, सब्सक्राइब वाला जो बटन है, एक तो वो कैपिटल में है, बोल्ड में है, और उस पर कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, है ना, वो हमें चेंज करना पड़ेगा, वो हमारी CSS में करना पड़ेगा। आइडेंटिटी के अंदर आने वाला BTN ऐसे ले लेते हैं, आइडेंटिटी के अंदर आने वाला .BTN ले लो, या अकेला एंकर है तो .anchor, सिर्फ एंकर टैग भी ले सकते हैं जैसे मर्जी। बैकग्राउंड कलर None. Border चाहिए तो border color black चाहिए तो 0 0 0 ये हो गया। देखें वर्क कर रहा है क्या? Identity की spelling गलत था। Background color आ रहा है सर। हाँ, वो हमारी CSS मतलब कट गई है तो। अच्छा, ऐसे कैसे हमारी CSS काट दी? BTN light में background color भरा हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने जो लगाया वो नहीं चला, हमारी CSS border color तो बेशक आ गया है, वो नहीं कट रहा है, background color कट रहा है। अब इसके दो solution हो सकते हैं, या तो आप एक चीज होती है important लगाएं, apostrophe shift 1 और important, ये क्या बोलता है कि हमारी बात ज्यादा जरूरी है, उसकी अथॉरिटी ज्यादा है, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी था कि इस पे जो बैकग्राउंड कलर है ये कौन दे रहा है, ये BTN light नाम की क्लास दे रही है। आप ये भी कर सकते हो, अपनी CSS में BTN light को बोलो कि बैकग्राउंड कलर ये। दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको याद आ जाए वैसा अच्छा। या तो ये कर सकते थे, या सिंपली मैं कर सकता था कि .btn light, या हो सकता है btn light तो मैं और भी कहीं यूज करूं, आइडेंटिटी के अंदर आने वाली btn light क्योंकि वो तो एक ही है, है ना, उस पर मैं बोल सकता हूँ बैकग्राउंड कलर। दोनों में से जो आपको याद आ जाए वो अच्छा, मैं इसको कमेंट करके छोड़ दूंगा। आ रहा है क्या अभी? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ तो फिर वही सॉल्यूशन है हमारा, नीचे वाला ही खोलना पड़ेगा मुझे।
चलो फिर बॉर्डर कलर भी उसी में लगा लो, दो दो करने की क्या जरूरत है। मार ही नहीं रहा है तो हमारी बात। ओके ओके, प्रॉब्लम एक्चुअली दूसरी है। हट गया क्या गलत? हाँ सर, एक्चुअली प्रॉब्लम दूसरी थी। अगर आप बैकग्राउंड कलर लिखते हो तो उसमें हाँ लिखेगा भाई, ट्रांसपेरेंट, नन जो आता है ना वो बैकग्राउंड में आता है, शॉर्ट हैंड जो होता है, ओके सर, नन लिखना है तो बैकग्राउंड में आएगा। अगर आपको बैकग्राउंड कलर से काम करना है तो उसमें बैकग्राउंड कलर नन कुछ नहीं होता, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट होता है। तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली वो आ रही थी, ऊपर वाला भी चल जाना चाहिए था पर वो प्रॉब्लम वो हो गई थी एक्चुअली, बैकग्राउंड कलर नन लिख दिया था उसमें मैंने। ठीक है। हाँ अरे इस पे वो कैपिटल करना है, वो तो किया ही नहीं, वो पता ही है आपको क्या करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ओके हावर पे इसके वो ब्लैक कलर ले रहा है तो वो हम कर देते हैं। आइडेंटिटी अंदर आने वाला BTN लाइट के हावर पे उसका जो बैकग्राउंड है या बैकग्राउंड कलर कुछ भी ले लो वो हो जाएगा ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा नहीं। बोल्ड वगैरह वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, मेन्यू देखिए, मेन्यू एक ऐसी चीज है जिसके लिए बूटस्ट्रैप में आपको बना बनाया कोड तो मिलता ही है। अगर आप कंपोनेंट्स में आएंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा नैवबार, सबसे कॉमन कंपोनेंट है ये और बहुत पॉपुलर है। इस नैवबार में ये जो मेन्यू है ऐसा ही मेन्यू मुझे वहां चाहिए। हाँ मुझे ये सब आइटम हटाने जरूर पड़ेंगे, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ पूरे कोड को, ये कॉपी करके कर देते हैं अपने इसमें जाऊं, आइडेंटिटी का काम हो गया, बंद करते हैं। डिव बना ली मेन्यू, उसके अंदर वो जो कोड हम लेके आए हैं वो पेस्ट कर देते हैं। एक बार एज इट इज अगर मैं देखूं इसको कैसा लगता है ये? ऐसा आ रहा है देखो, ठीक है। हाँ सर, मुझे ये नैव बार नहीं चाहिए, फॉर्म नहीं चाहिए, वो नैव बार जो आ रहा है वो मैं आपको बताऊं अगर कहाँ से आ रहा है। ये दिख रहा है लाइन 34। अच्छा पहले इंडेंटेशन कर देते हैं एक बार, बिना उसके समझ नहीं आता। ध्यान रखिएगा ये जो बटन है ना ये मत हटाना, ये वो हैमबर्गर होता है जो अभी दिख नहीं रहा है आपको, 768 के नीचे दिखेगा, ओके सर, सॉरी नैव बार एक्सपेंड LG लगा हुआ है तो यहाँ 992 के नीचे दिखेगा आपको, ये नहीं चाहिए था, मैंने सिर्फ वो हटाया, बटन को नहीं छेड़ा। ठीक है देखें गायब है, ये नहीं चाहिए भाई साहब, इनको भी हटा दो। ये फॉर्म मिलेगा आपको, एक फॉर्म ढूंढ लें और उसको हटा दें। दिख गया लाइन 61। हालांकि अब ये चीज जो है यहां से शुरू हो रही है, इसको यहीं से शुरू होना था, कंटेनर डालना है, वो कंटेनर नहीं है क्योंकि नैब के अंदर।
चालू यहाँ होगा, और खत्म यहाँ होगा। देखें ये हो गया ड्रॉप डाउन मेन्यू। अभी इसमें किसी में नहीं चाहिए, डिसेबल्ड नहीं चाहिए, होम और लिंक वाले ठीक है, तो ड्रॉप डाउन हटा देते हैं अभी के लिए। ये ड्रॉप डाउन कहाँ है, ये रहा 47 से लेकर डिसेबल्ड वाला भी नहीं चाहिए, इसको भी हटाओ। आपको बस करना ये है, इनको कॉपी करना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है, और इनके हवर पे कलर डालना है। वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वो तो आप सिंपल सी एसएस से कर ही सकते हैं, हो जाएगा ठीक है। हेडर कंप्लीट हुआ, आज मैं इससे आगे अभी नहीं बढ़ रहा हूँ, वरना तो टाइम तो बहुत लगेगा इसमें। कल हम कोशिश करेंगे ये वाला सेक्शन और इसके नीचे वाला जो है ये वाला वो भी बना देंगे, ठीक है। समझ में आया आज जो भी हमने किया, पहले वाला लेआउट और ये वाला लेआउट? कोई डाउट है अभी? नहीं सर अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी ट्राई करूंगा फिर आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे बताना, ठीक है।